हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से स्वादिष्ट खास्टा बनाने की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ। इस रेसिपी को छठ पूजा में जरूर बनाइएगा। खास्टा बनाने के लिए हमारे पास है 1 किलो मैदा। अब इस मैदे में मैं क्या क्या डालने वाली हूँ उसे पहले देख लेते हैं। मैं 1 किलो मैदे में 1 कप रिफाइन तेल का मोयन करने वाली हूँ और साथ में 2 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल डालूंगी। मैं डाल रही हूँ सूखा हुआ नारियल को। आप चाहें तो कच्चे वाले नारियल भी डाल सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और 1 किलो मैदे में मैं डालूंगी 300 ग्राम शक्कर। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो शक्कर की मात्रा को बढ़ा लीजिए। और मैं तलूंगी खास्टे को रिफाइन तेल में। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो आइए खास्टे को अब बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं मैदे में डाल रही हूँ 2 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल। उसके बाद डाल देंगे सारे शक्कर को और शक्कर डालने के बाद सारे रिफाइन तेल को डाल देंगे। अब इसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है। इस आटे को यानी कि इस मैदे को गूंथना बिल्कुल भी नहीं है। इस रेसिपी को आप चैती छठ आ रहा है, चैती छठ में जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। ध्यान से देखें मैं कैसे इसे मिक्स कर रही हूँ। आपको भी अच्छे से मिक्स करना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो लगभग 4 चम्मच के बराबर, छोटी चम्मच से 4 चम्मच के बराबर पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 चम्मच पानी डाल करके अच्छे से मिक्स करते रहे। अब हमारे आटा खास्टा बनाने के लिए तैयार है। आप एक आटे में से गोला बनाकर देख ले, अगर आसानी से बन जाए तो आपका आटा तैयार है। अब मैं आटे के गोल या फिर लंबा बॉल बनाकर अब सांचे में डालकर इस तरह से सारे खास्टे को एक शेप दे दूंगी। ये जो खास्टा है, मेरी 5 साल की छोटी सी बिटिया रानी है, वही खास्टा को सांचे में डालकर शेप दे रही है। तो देखिए कितना सुंदर मेरी बिटिया रानी बनाई है। चलिए अब तेल को गर्म कर लेते हैं। तेल गर्म होने के बाद गैस की आंच को मध्यम कर दे और मध्यम आंच में जितने खास्टे तेल में आसानी से आ जाए उतना खास्टे को तेल में डाल दीजिए और धीमा धीमा अच्छे से लाल होने तक पकाए। जब एक तरफ से हल्का सा लाल हो जाए तो खास्टे को दूसरे तरफ धीरे धीरे करके पलट दीजिए और गैस की आंच को मध्यम रखते हुए ही फिर से अच्छे से खास्टे को लाल कर लीजिए। जब तक अच्छे से लाल नहीं हो जाती तो देखिए यहाँ पर हमारी खास्टे अच्छे से लाल हो चुकी है। तो सारे खास्टे को मैं निकाल लूँगी और इसी तरह से सारे खास्टे को तल लूँगी। हमारी खास्टा बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल भी ना भूले। और इस बार की चैती छठ में इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को एक लाइक देकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपनों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।